हेलो, क्या हो रहा है? और क्या होना है, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। ज़रतुशा खुश हो जाओ, एक और खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। सुहेल, मेरी खुशखबरी तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़रतुशा प्लीज़, ये फिल्मों और ड्रामों वाली बातें मत किया करो, बी प्रैक्टिकल। अच्छा पूछोगी नहीं कि क्या खुशखबरी है? घर कब आना है? अरे बाबा आ जाऊंगा ना। सुनो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे। ज़रतुशा तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी तब होगी जब मुझे यकीन हो कि तुम मेरे साथ साथ हो। अरे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और तुम्हारा मूड है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप क्या सोच रहे हैं? यही क्या है, ज़ारा से मिलने जाना चाहिए कि नहीं, कहीं वो मेरी बात का गलत मतलब ना समझ। गलत मतलब? मेरा मतलब वो ये ना समझ ले कि वो मुझे अच्छी लगती है। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो क्यों? तो फिर वो भी आपको पसंद करने लगेगी। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि चाहत का जवाब चाहत से मिले। और फिर हम भी तो नाप तोल के लिए निकले, कोई चाहत दिखाने तो नहीं। वैसे मायरा बता रही थी कि ज़ारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात दिल में होती है वो ही बोल देती है। ये तो और भी अच्छी बात है, रिजल्ट फौरन सामने आ जाएगा। रिजल्ट तो कल रात में आ ही चुका है। आपने उसे इनवाइट किया था और वो आ गई, और आपने अब उसका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मोहब्बत का बीज फूट चुका है। जनाब पूछ रही हैं कितनी देर? तो बोल दें कि हम बस करीब में ही हैं, आने वाले। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, पर मैं क्या करूं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। देखो मैं तुमसे वादा करके गया था मैं जल्दी वापस आऊँगा, आ गया ना। ये मैं सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, अगर हम लंच पे साथ नहीं जा सके तो क्या हुआ, हम डिनर साथ कर लेंगे। एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी अब? थैंक यू। हाँ ज़ारा, कल सुबह इतनी जल्दी? ज़ारा क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस मीटिंग में मैं ना जाऊं, आप मैनेज कर लो? ठीक है, मैं सुबह तैयार मिलूंगा। कितनी देर लगी उसे जरदशा की यादों से बाहर आने में। मैंने तो शुक्र अदा किया जिस दिन उसने मुझसे कहा कि उसे ज़ारा पसंद है। You enjoying the music? बहुत मजे का है। I love pop music. You know, जब से हमारी partnership हुई, I'm so happy. वो क्यों? क्योंकि हमारी chemistry बहुत अच्छी है। आप क्यों? कि अगर हम ऐसे ही साथ चलते रहे, तो बहुत आगे जाएंगे। अब साथ चल पड़े, देखते हैं आगे जाते हैं या फिर पीछे रह जाते। ज़ारा तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी। बस हमारे दरमियान कोई ना है। देखो, जब हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है ना, तो फिर हमारे दरमियान कोई कैसे आ सकता है? रिश्ते नाते इंसान को कमजोर कर देते हैं। एक बात बताऊं, रिश्ते इंसान को मजबूत भी बना देते हैं। I love your confidence. बस ऐसे ही confidence मीटिंग में दिखाना ब्रीफिंग के टाइम। Don't worry. ये तो मुझ पे छोड़ दो, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह।